सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टू मेथड है, फर्स्ट है हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और सेकंड हमारी पास है मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो टू मेथड हमारे पास यहाँ पे दे रखी है हमें, तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.4 असाइनमेंट एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है इफ़ वाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इक्वल वाई बाय 3 प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें वाई की वैल्यू क्या है वो हमें फाइन करना है। तो हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि y की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास y बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इक्वल y बाय 3 प्लस 1। तो इस 1 के अपन हमने क्या लिया, 1 ले लिया है ना, जिसके अपन को कुछ नहीं होता उसके 1 मानते हैं। अब यहाँ पे है ना, अगर आप देखोगे तो इक्वल के इधर भी अपॉन में नंबर है और इधर भी अपॉन में है, तो दोनों तरफ हम एलसीएम लेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 8, और ऊपर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का वाई में तो 2y माइनस फिर 4 का 1 में तो 4। इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो कि एलसीएम जो आया वो 8 आया, फिर 8 आया तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, तो जैसे 3 और 1 है तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का y में होगा तो y प्लस 3 का 1 में होगा तो 3। तो यहाँ पे हमने नीचे के नंबर का एलसीएम लेके 1-1 नंबर बना लिया। अब अगला मेथड क्या होता है, जब अपॉन में एक सिंगल नंबर होता है ना, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इस पूरे के अपॉन में क्या है, 8 है, और यहाँ पूरे के अपॉन में 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा ऊपर वाले ब्रैकेट में। मतलब हमने इसको ब्रैकेट बना लिया है, 2y माइनस 4 को हमने किस में ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, और इधर y प्लस 3 को किस में ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया। ब्रैकेट बना हुआ नहीं था लेकिन हमने बनाया, क्यों, क्योंकि अब हम इस अपॉन वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2y माइनस 4 में, तो 3 को हम आगे लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 2y माइनस 4 इक्वल 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस इन दोनों में होगा। तो पहले हम ब्रैकेट बनाकर आगे मल्टीप्लाई करें, तो 8 का मल्टीप्लाई हुआ y प्लस 3 में। अब क्या होगा, अब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा दोनों में। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 6, और y का y, फिर माइनस का माइनस। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 12, फिर इक्वल। अब 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा, पहले y में होगा तो 8y प्लस, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा तो 24। ये तो आप जानते हो। अब जब आपके पास इस तरह से एक सिंगल इक्वेशन बन जाए, तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन वाली मेथड लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड रहते हैं और नंबर वन साइड। जैसे 6y है, तो इस 6y को हम अगर इधर लेके आएंगे तो वेरिएबल दोनों इधर आएंगे, वाई वाई वाला इधर आएगा और नंबर नंबर उधर जाएंगे। जैसे कि हमने 6y को हटाया, ये इधर आया, तो उधर क्या बचा, माइनस का 12, तो माइनस के 12 को हमने लिखा, ठीक है। अब नंबर हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो माइनस 12 तो लिखती है नंबर है, इधर के 24 जो प्लस के हैं वो भी इक्वल के दूसरी साइड पर, अदर साइड पर जा रहे हैं, तो प्लस के हैं तो उधर जाके क्या होगा, माइनस के 24 हो गए इक्वल। अब यहाँ पर 8y पहले से हैं, लेकिन उधर का 6y जो प्लस का था, क्योंकि 6y के आगे अगर आप सिंबल देखोगे हमेशा फ्रंट सिंबल देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस का है। तो ये 6y लेफ्ट से कहाँ आया, राइट में आया, तो ये प्लस से क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6y हो गया। अब नंबर नंबर एक तरफ है, तो आप लोग ये जानते हैं, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जब दोनों के माइनस के होते हैं तो प्लस होते हैं, तो 36 वो ग्रेटर नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का। अब
8 में से 6 गए तो 2y। अब इस 2 को हटाना है क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो ये है ना 2 और y किस में, मल्टीप्लाई में। आपको पता है कि टाइम्स जो होता है या साथ में जो ऐसे हैं इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, y में। कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई वाला जब भी इक्वल के अदर साइड पर जाएगा तो अपोन में आएगा। तो y इक्वल टू क्या आया, अब y चाहे आगे लिख दो या पीछे लिख दो, तो y बचेगा और ये 2 कहाँ चला गया, 36 के अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई वाला अदर साइड पर अपॉन में जाता है और प्लस और माइनस वाला पीछे जाकर सिंबल चेंज होता है। जैसे प्लस का 24 था तो वो पीछे जाएगा और माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई वाला जब भी इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो अपॉन में जाएगा। तो ये 2 अपॉन में चला गया तो -36/2, और 2 से हमने 36 को कट किया तो 18, और माइनस का नंबर इसलिए माइनस का 18। तो हमारा वाई जो आया, देयरफॉर वैल्यू जो हमारी वाई की आई वो -18। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है, इफ़ 1/2p+1=3/2p+2 देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो यहाँ पे हम p की वैल्यू निकालेंगे उसी तरीके से सॉल्व करके, ठीक है, जैसे हमने अभी सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे 1/2p है ना, तो वेरिएबल एक तरफ लेके आते हैं, पहले भी ला सकते हो बाद में भी ला सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले एलसीएम लेके फिर हम एक तरफ वेरिएबल ले गए थे, एक तरफ नंबर ले गए। इस बार हम पहले से ही कर लेते हैं। तो 1/2p इधर है लेफ्ट साइड में, उधर इक्वल के दूसरी तरफ 3/2p है। तो ये पूरा जो टर्म है ये इस तरफ आएगा क्योंकि पी पी वाले एक तरफ ले रहे हैं। तो ये प्लस का इधर आके क्या बना, माइनस का, तो -3/2p इक्वल। अब उधर इधर पहले से क्या है, 2 है, तो ये 2 तो प्लस के रहेंगे, है ना, आगे कोई भी सिंबल नहीं तो प्लस ही। और उधर का 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल एक तरफ ले रहे हैं और एक तरफ नंबर ले रहे हैं। तो इधर का नंबर पहले से लिखाएगा 2 पहले से लिखाएगा, उधर का प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1। अब दोनों तरफ अपॉन में 2 है, तो जब सेम नंबर होते हैं तो एक बार लिखाता है तो 2 लिखाएगा, और ऊपर के नंबर को हम वैसे लिखते हैं। तो पी का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो पी -3p इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 में से p माइनस किया है क्योंकि दोनों लाइक है। तो लाइक में क्या होता है, नंबर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 में से आगे का 1 प्लस, मतलब दोनों को माइनस किया, 3 में से 1 गया तो 2, और ग्रेटर नंबर का आगे का है माइनस का क्योंकि 3 के आगे माइनस है। तो -2, और किसको प्लस माइनस किया है, p वाले को, तो p वेरिएबल आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइक वालों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी वाले को सॉल्व किया इसलिए पी का आंसर आया, और आगे 1 है क्योंकि इस पी के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या मानते हैं हम, 1। तो 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 आया, और अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का पी बचा और इधर बचा 1, है ना। तो ये जो 1 है ये माइनस में कभी भी वेरिएबल नहीं होता है, मतलब आंसर लास्ट में वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो ये माइनस पी की तरफ से 1 के तरफ चला जाएगा, तो पी प्लस का हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मतलब पी की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यू और सेकंड वाले को आप सॉल्व करके एक बार और देखें, ठीक है, खुद से सॉल्व करें सेल्फ, और आगे बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप आगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ये 2 क्वेश्चनों को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है बच्चों। तो हम थर्ड एमसीक्यू करते हैं, वो भी बहुत ईजी है। द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है इन 3x+2=5 इज। जब हमारे पास 3x+2=5 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं उसको। तो 3x+2=5 में हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो नंबर हम एक तरफ करेंगे। तो ये प्लस का 2 है ना, ये इक्वल के अदर साइड पे जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 2। तो 3x=5-2 हो गया। अब 3x तो रहेगा, 5 में से 2 गया तो क्या आया, 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो ये x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इक्वल के अदर साइड पे जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, ठीक है, डिवाइड में जाएगा।
तो ये अपॉन में गया तो ऊपर का जो ये 3 है और अपॉन में भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो एक 1 आंसर आया। तो हमारा x इक्वल टू क्या आया, 1। ये 3 है ना बच्चों, तो 3 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1। तो देयर फॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x+10 इक्वल टू 30 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे मेथड का नाम आया है, ठीक है, तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। बाकी जब कहीं पर भी नाम नहीं आता है, जैसे मेथड का नेम नहीं आता, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सॉल्व, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमने 2 मेथड के बारे में बताया था, एक तो है ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्राय, और एक होती है ट्रांसपोजिशन मेथड। तो हम अभी तक जो हमने एमसीक्यू किए वो ट्रांसपोजिशन मेथड से किए हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, अपॉन से डिवाइड, डिवाइड से अपॉन। लेकिन अब हम ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं। तो आपको अगर ये मेथड इजी लगती है तो आप इस मेथड से भी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो सबसे ज़्यादा जो चलती है, जो ज़्यादातर यूज़ में आती है, वो है ट्रांसपोजिशन, जो हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। 5x+10 = 30, तो हम किससे, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये है कि ट्राई करेंगे और अगर एरर आती है तो हम उसको छोड़ देंगे, रिमूव करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें करना क्या है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है, पहले हम कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, लेकिन ट्राई करते रहना है जब तक कि आंसर ना आ जाए। और आंसर कब आएगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल एक जैसा आ जाए। तो हम ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले हमने ट्राई किया 1 के साथ, मींस लेट x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू को हमने क्या माना कि 1 है, मतलब 1 उसका सॉल्यूशन है। और अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो क्या होगा, 5x+10 = 30, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, एक्स की प्लेस पर 1 लिखेंगे। तो देखो 5 और एक्स के बीच में कोई भी सिंबल नहीं, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 1 के साथ, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू क्या ली, 1 प्लस 10 इक्वल टू 30। तो 5 का पहले है ना, दो बोटोमास नियम के अनुसार आप जानते ही हो कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5+10 = 30। तो 5 और 10 क्या हुआ, 15 और 30, तो ये दोनों इक्वल आए क्या, नहीं, तो इक्वल का साइन हमने कट कर दिया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या आई, एरर आई। हम अगेन ट्राई कर रहे हैं, अब हम सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो अगेन हमने ट्राई किया लेट x इक्वल टू 2, अब 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 5x+10 = 30, अब x की प्लेस पर हम 2 लिखेंगे, तो 5 × 2+10 = 30। तो पहले मल्टीप्लाई होगा बोझमास नियम से, तो 5 × 2 = 10 और +10 = 30, तो 10 और 10 प्लस हो के क्या बना, 20 = 30। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू। हम वापस से एरर आ चुकी है, फिर ट्राई करेंगे इसी तरीके से बार बार ट्राई करते हैं जब तक कि आंसर ना आ जाए। तो x इक्वल टू हमने लिया 3, और 5x+10 = 10 = 30। तो 5x, तो 5 तो लिखेंगे, इसके जगह पर हम 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 3+10 = 30। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 15+10 = 30, तो दोनों को प्लस करें, 25 ≠ 30, 25 आ रहा है और 30, तो ये भी इक्वल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे लेट x = 4, अब हम 4 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो 5x+10 = 30, तो 5 × 4+10 = 30, तो 5 × 4 = 20 + 10 = 30, तो 30 इधर भी आया और इधर भी आया, दोनों तरफ आंसर 30, इक्वल आ चुका है। इक्वल आ चुका है मतलब ये x = 4 जो है वो हमें गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे हमारा LHS और RHS इक्वल आए हैं। तो हमने लिखा देयर फोर x इक्वल टू फोर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू 4 हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्टली 4 लिख लें, तो आप 4 तो लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एरर बताने के लिए 1 2
वन या टू मेथड स्टेप बतानी पड़ेगी, है ना। तो वन या टू स्टेप बताकर आप डायरेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो आप उसको वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ट्रायल और एरर मेथड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व। तो सॉल्व में हमारे पास 8 क्वेश्चन है, तो इन 8 में से हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को होमवर्क में करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 12। और सॉल्व का मतलब है हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 5 इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पर है ना हमें यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है। तो प्लस वाला क्वेश्चन है, तो प्लस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि प्लस 5 को हम अदर साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हम वेरिएबल को अलग रखना चाहते हैं और नंबर को अलग। इस मेथड को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो ये प्लस का 5 है, ये उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का 5। तो 12 में से 5 गया तो क्या हुआ, 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है y माइनस 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन माइनस का है, तो माइनस का सॉल्व कैसे होगा, तो नंबर को हम अदर साइड पे ले जाएंगे, तो माइनस का 2 है वो अदर साइड पे जाके क्या होगा, प्लस। तो 10 के बाद प्लस 2 हो गया, क्योंकि ये माइनस का 2 था तो उधर जाके प्लस। तो y इक्वल टू क्या हुआ, 10 प्लस 2 12। तो ये y वेरिएबल का आंसर आ चुका है, तो आंसर हो गया। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को करना है ना, और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको करना है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ होमवर्क हो गया। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास है 2x माइनस 10 इक्वल टू माइनस 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर को हटाएंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले नंबर को हटाएंगे, तो ये माइनस का जो 10 है वो अदर साइड पे जाके क्या बनेगा, प्लस का 10। तो 2x इक्वल माइनस 12 है, तो ये माइनस का 10 अदर साइड पे क्या बनेगा, प्लस 10। ओके, अब 2x तो रहेगा। अब यहाँ पे 12 में से 10 क्या होगा, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, ठीक है। तो हमने फोर चैप्टर में बताया था कि जब एक नंबर माइनस का हो प्लस का हो तो माइनस करते हैं। तो 12 में से 10 गया तो 2, और ग्रेटर नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 2। अब ये 2x जो है यहाँ पर x के साथ 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो ये अदर साइड पर जाइए कहाँ जाएगा, अपॉन में डिवाइड में आएगा। तो माइनस 2 अपॉन 2, तो क्या हुआ, x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू हमारा आएगा 1, ठीक है। और ये माइनस का 2 था इसलिए माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस 2 से 2 से कैंसिल हो गया तो 1 आया, और माइनस का आंसर था तो माइनस 1 आया। तो x इक्वल टू माइनस 1 हमारा आ गया। उसके बाद 7 क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। तो 8th वाला करते हैं, तो 8th वाले में मल्टीप्लाई के साथ है, तो लगभग हम सारे तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस वाला कैसे होगा, माइनस वाला कैसे होगा, मल्टीप्लाई वाला कैसे होगा। तो इस मल्टीप्लाई वाले से आप इस सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर 12x है इक्वल टू माइनस 108 है, तो यहाँ पर x के साथ 12 किस में, मल्टीप्लाई में है ना। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, तो ये 12 हटाना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई में, तो अदर साइड पे कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो यहाँ पे 12 का डिवाइड हम 108 में करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, 12 की जगह में 108 9 टाइम आता है, तो 9। और क्वेश्चन माइनस का है तो आंसर भी माइनस का आएगा, और अगर प्लस का होगा तो प्लस का आएगा। तो x इक्वल टू माइनस 9 जो आया वो हमारा आंसर है। तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम